हेलो एवरीवन भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जैसा आप जानते हैं, कल की डेट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर फार्म इम्प्लीमेंट की जो पोस्ट थी, एचपीसी ने उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। 3 टाइम्स कैंडिडेट का इंटरव्यू कॉल हुआ है। अगर हम बात करें कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ अच्छी खासी गई है 75+ के आसपास। और एक कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज आते 78 नंबर के, उसका जनरल में उनका वाइवा कॉल हुआ है 78, एंड 65+ के काफी कैंडिडेट थे उनका नहीं हुआ। सेम आपका एक बीसीए के कैंडिडेट हैं, उनका 75 थे आई थिंक, प्लस माइनस हो सकता है, उनका वाइवा कॉल हुआ है। तो ज्यादा इसमें नॉलेज नहीं है, बट अगेन 75 के आसपास हम मान सकते हैं, बट 70+ तो रही है सर कैटेगरी की, एक्सेप्ट आपका एससी वगैरह कुछ और। तो बट अभी भी आपको 3 टाइम्स कैंडिडेट में बुलाया गया है, तो जाहिर सी बात है 3 में से 1 ही कैंडिडेट सिलेक्ट होना है। तो उसके लिए आपको इंटरव्यू में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये एग्जाम जितनी मेहनत नहीं है। यहाँ पे अपने आपको जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर आपको काम करना है अगले जितने भी दिन हो, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एंड दो चीजें आपकी बेसिक्स हैं फार्म इम्प्लीमेंट से रिगार्डिंग, जितनी भी मशीनरी वगैरह होती है या फिर जो भी आपने पढ़ा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आपको पता होनी चाहिए। जो सिंगल लाइन में आप, अगर किसी ने आपको कोई भी इक्विपमेंट का नाम पूछ लिया, तो उसकी यूटिलिटी आप एक सिंगल लाइन में दे सकते, ठीक है, एंड घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10 to 15 मिनट्स से आपका इंटरव्यू चलने वाला है, ज्यादा आपको वहां पे नॉलेज भी टेस्ट नहीं होगा। आपका ओवरऑल जो बोलने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी है, उस पर लोग गौर करने वाले हैं कि आप सही से कोऑपरेट कर पा रहे हैं, उस चीज को एनालाइज किया जाएगा। हम ट्राई करेंगे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया जाए, या फिर उनके जो रिव्यूज हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो दैट आपको वहां से भी हेल्प मिलेगी। एंड अगेन अभी 1 वीक के अंदर आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, आप प्रिपेयर रखें। जो भी आपका बेसिक मटेरियल था, एटलीस्ट उसको एक बार रिवाइज करें, याद कुछ नहीं करना, जस्ट एक बार देखना है, क्या किस निकाल दो तो थोड़ा सेव हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। एंड कोशिश करना जितने भी इक्विपमेंट है आज के टाइम में, जो हम पराली प्रबंधन वगैरह या फिर सोइल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हम यूज कर रहे हैं, उनकी क्या यूटिलिटी है और क्या बेटर हम इसमें कर सकते हैं, इन चीजों पे आप फोकस कीजिए, ठीक है, या फिर सॉइल से रिलेटेड आपसे जो कुछ चीजें हैं उस पर फोकस कीजिए, या कोई रिसेंट डेवलपमेंट हो आईसीआर की तरफ से, उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, या तो आपको जो भी पूछा जाए आप उसमें सिंपली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करें, ठीक है, थोड़ा सा, एंड जो चीज नहीं पता तो सिंपली वहां पे आप सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप अगर इरिलेवेंट फैक्ट बताएंगे, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं, वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं एंड उस चीज को ग्रैब कर जाएंगे कि स्टूडेंट झूठ बोल रहा है। एंड इंटरव्यू का एक एक नंबर, जो रिटर्न के 10 नंबर है उसकी इक्वल आप मान सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 5 की इक्वल फिर डायरेक्टली बन रही 20 नंबर का ओवर होगी, 20 का या फिर 12.5 का, 10 के ओवर 12.5 का है, कंफ्यूजन खाली कर 12.5 नंबर का इंटरव्यू है। एंड अगर मिनिमम बात करें कैंडिडेट को कितने मिलते हैं, अराउंड 5 के आसपास मिनिमम, मैक्सिमम 8 to 9 तक जाते हैं, एंड वो डिपेंड करता है, देयर इज नो फिक्स लिमिट कितने ही आएंगे। तो अगर आप अच्छे से परफॉर्म करके आ जाते हैं या तो आपका सिलेक्शन पूरे पूरे चांसेस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नाइस डे।